अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लिए व्हाट्सएप अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप पे किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप अपना आईडी को बनाते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। जी हाँ, आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में यहाँ पे आकर के आपको यहाँ पे जो सर्च बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, तो व्हाट्सएप आपको सर्च करना पड़ेगा, WHATS व्हाट्सएप। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा व्हाट्सएप कुछ इस तरीके से। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये सर्च हो जाएगा। आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आइएगा तो आपको नज़र आएगा कई सारा व्हाट्सएप, मीन्स यहाँ पे व्हाट्सएप नाम से बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक व्हाट्सएप मैसेंजर, यहाँ पे रहेगा व्हाट्सएप LLC। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना व्हाट्सएप LLC, आपको ये चेक करना है। अगर ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यही है। तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इंस्टॉल। सिंपली आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और इसको अगर डेटा वगैरह सेविंग के लिए आप लगा रखे हैं, यानी कि हर बार जब भी आप इंस्टॉल कीजिएगा एप्लीकेशन तो पूछेगा यस और नो, यहाँ पे आपको ओके करना है। वैसे आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आप अगर सेटिंग कर रखे होंगे तभी आपसे पूछेगा। मैंने सेटिंग्स इनेबल कर रखा है कि जब भी मैं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँ या फिर कोई भी एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करे तो यहाँ पे पूछे कि वाकई में आप अपने मोबाइल का डेटा यूज़ करके आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये लगभग हमारा इंस्टॉल हो चुका है, मीन्स नहीं अभी डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में अभी इंस्टॉल होना शुरू होगा। देखिए अभी इंस्टॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपको यहाँ पर नज़र आएगा ओपन का बटन एक नज़र आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली पूरे बैक चले जाइए, जहाँ से मेन मेन्यू में जो आते हैं मेन मेन्यू में आकर के सिंपली आपको सर्च करना है व्हाट्सएप, आपको नज़र आ जाएगा व्हाट्सएप। ठीक है, या फिर सिंपली आप यहाँ पे भी स्क्रॉल अप करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जहाँ पे व्हाट्सएप होगा यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नज़र आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्हाट्सएप, सिंपली आप इसे ओपन कर लीजिए, इसके ऊपर में क्लिक कीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको एग्री करना होगा, एग्री एंड कंटिन्यू। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा एग्री एंड कंटिन्यू पे। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर के लिए, तो आप अपना वो मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए जिसके ऊपर में आप व्हाट्सएप क्रिएट करना चाहते हैं। वो किसी भी मोबाइल में लगा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप छोटे वाले मोबाइल में अगर रखे हुए हैं सिम और दूसरे मोबाइल में आप यानी बड़े वाले मोबाइल में स्मार्टफोन में जो है आप क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इजीली कर पाएंगे, उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वो मोबाइल नंबर डाल दूँगा जिसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप बनाना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है पूछेगा आपसे यू इंटर द फोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे है, इज़ दिस ओके और वुड यू लाइक टू एडिट द नंबर। अगर आपको लगता है कि हाँ ये नंबर आपका वाकई में सही है, अगर ये नंबर आपका सही है तो फिर ठीक है आप इसको रहने दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो आप इसको ओके करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा ये नंबर जो है सही है। इसके बाद में आपके पास में एक OTP आएगा, OTP आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अगर इसी मोबाइल में होगा तो आपको तो ईजिली मिल जाएगा, दूसरे मोबाइल में होगा तो आप उस मोबाइल को ओपन कीजिए, वहाँ पर एक मैसेज आया होगा। देखिए इस मोबाइल में है तो ऑटोमेटिक इसने वेरीफाई कर लिया, अगर दूसरे किसी मोबाइल में तो आपको यहाँ पे OTP एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंटिन्यू करने के लिए, अगर कोई आपको बैकअप है यानी यहाँ पे अगर बैकअप होगा तो उसको ये फाइंड कर लेगा कि आपके पास में एक बैकअप है, उसको आप क्या बैकअप बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा नहीं मुझे फिलहाल में बैकअप नहीं चाहिए, मैं बैकअप नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नॉट नाउ पे आप मैं क्लिक कर दूँगा। अभी अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप योर नेम, तो आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है, जो भी आपका नेम है। मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ मैं अपना नेम टेक कटिंग, ओके। इंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको ये बताएगा इनिशियलाइजिंग, तो अभी इनिशियलाइज हो गया, अब इस क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में आपको इनको परमिशंस देना होगा, जिस भी चीज़ों का ये परमिशन लेना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर आकर के परमिशंस में आपको आना है। परमिशंस में आने के बाद में आपको यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट का जो है आपको अलाउ कर देना होगा। यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दीजिए तो ये अलाउ हो गया, बैक कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अलाउ करना है तो आप अलाउ कर सकते हैं। जब आप बात करना चाहेंगे यानी जैसे किसी को कॉल करना चाहेंगे तो उस टाइम पर अलाउ के लिए पूछेगा तो आपको अलाउ करना पड़ेगा, ओके।
अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि इनवाइट योर फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे आपको बताएगा एक मैसेज के लिए। आप सिंपली डिस्कवर में क्लिक करके यहाँ से जो भी फ्रेंड्स होंगे आपके पास में उनको आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे होंगे सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे, अगर इनको आप कॉन्टैक्ट का जो है परमिशंस देंगे तो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से आप अपने लिए जो है एक अकाउंट व्हाट्सएप पे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी अगर चाहिए कि हाँ बहुत इमरजेंसी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इजीली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।